सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमुई झरमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। युक्ति युक्त बाबा को याद करो, परंतु बाबा के लाचारी नहीं याद करो। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे भी समझते होंगे जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता, यही इस यूनिवर्सिटी की विशेषता है। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता, बाकी बच्चियां तो बहुत है। राजयोग सिखाने के लिए एक से तो काम चल न सके, पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। दुनिया में पावन बनने के लिए कितने ढेर मनुष्य बुलाते हैं, परंतु एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नंगन करते हैं, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, बोलो तुम ही सब तो पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। पतित तो सारी दुनिया है, पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। बाबा हम बच्चों को इन विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है, वह सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाए। परंतु नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्यालात आते होंगे। बाबा कहे, पतित भारत को पावन कैसे बनाए, नंबरवार सर्विसेबल को यह ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है। बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूं, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में, बाबा नहीं बैठ समझाते। बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी वह योग कम दिखाई देता है।
इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं यह सबसे नजदीक है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सबसे नजदीक है, इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है। मुख्य है ही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता। मनुष्य का शरीर कोई काम में नहीं आता, बाबा कहे राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती है, चमड़ा भी काम में आता है, मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डाल खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती, उन्हों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है, पशु पक्षियों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है, मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, देवताएं हैं तो तब तो पूज्य लायक है, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं। जब तक पूज्य अवस्था में है तो बाबा कहे बहुत वैल्यू है, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है, वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, सत्यों में कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, ये टाइम भी वैल्यूबल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ, अपनी आत्मा को याद के बल से सतोप्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवान वाच है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, उसी में है भगवान वाच। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाओ। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, बल बहुत धनवान है, पद्मा पदम पति है, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना, तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम स्थाई सच्चे धनवान हैं, यह धन ही साथ देता है, तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है, नाम भल पदम पति आदि है। सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पदम पति अविनाशी रखा है, तुम हो स्वर्ग के पदम पति, वह है नरक के पदम पति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे, यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बाबा कहे जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे, यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे, अच्छा अब क्या करना है, कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर अंतिम समय कुछ कर नहीं सकेंगे, पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे, बॉम्ब्स आदि गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाते हैं, यह तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। समय का एहसास बाबा दिलाते, बड़ा भयानक सीन आने वाला है, उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आए हैं इसलिए भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो यह भी सबको निश्चय नहीं है, निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े, रात दिन बत्तियां जगाकर मर जुड़कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े, वाह यह तो 21 जन्मों की कमाई है,
बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है, बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, जरमुई जरमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत उना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे जरमुई जरमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, ड्रामा की भावी ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है, बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या। बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं, लव से याद करना आता ही नहीं। सच्ची दिल पर साहब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, हम ही तुम्हारा दोस्त हूं। बाबा क्या कहते, हम ही तुम्हारा दोस्त हूं, बाकी तो सब है दुश्मन। तुम एक दो के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे। बाप कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख है तो दुश्मनी किससे रखेंगे। शरीरों को देखो ही नहीं, तुम भी आत्मा वह भी आत्मा तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं, जिनको जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं। कितने को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता है, पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं। सबसे पहले नंबर में बाबा कहे ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं, उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते हैं वह आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते क्या बन गए, पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं इसलिए वर्षा देने, पावन बनाने, अर्थ है ना। शिव बाबा पतित पावन है, ये किसको पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन मनाते हैं। शिव बाबा पतित पावन है ये किसको भी पता ही नहीं। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन मनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। बाबा कहे बच्चे भी पूरी रीति समझते नहीं है, माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा
हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं, अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं बाबा, हर बात सीधा समझाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्य के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा कहते, बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहां न कहां धंधा धोरी मित्र संबंधियों आदि तरफ दौड़ती रहती, धारणा कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे हैं, वही भक्ति के संस्कार वाले बाबा कहे, यहां भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए, निहारते रहना चाहिए उस ज्योति स्वरूप बिंदु रूप को। सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं, मैं इन कर्मेंद्रिय द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। आंख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में ये किसको पता नहीं है? क्यों? क्योंकि देह अभिमान में है, क्योंकि देह अभिमान है ना। आत्मा में ही सब संस्कार है। बाप कहते हैं, आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही है पढ़ाने, अतीत से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं, बाबा आते हैं पतित से पावन बनाने पढ़ाने, बाप को देखते ही नहीं। तो क्या समझना चाहिए? पाए पैसे का पद, नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास। कहेंगे तो दोनों कोई नौकर, पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी यानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। क्या पढ़ाई पढ़ाया वो रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम करते हैं, होमवर्क करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ऊना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि है। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो इसलिए, नर से नारायण बनने, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा कि हम यह बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है, जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है,
बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्य के दिल उठे देखने की। ऐसी अच्छी अच्छी चीज बाबा कहे म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्य के दिल उठे देखने की। समझेंगे यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर्स को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती है, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ही चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्य को दैवी गुणों वाला बनाते हैं तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। बाबा कहे भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद किया और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। चुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अच्छा ओम शांति।